ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का एक जाना माना एक्टर माना जाता है। इन्होंने सन 2000 में कहो ना प्यार है मूवी से अपनी करियर की शुरुआत की थी और आज वो बॉलीवुड का एक दमदार एक्टर बन चुका है। इनके पिताजी मिस्टर राकेश रोशन बॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक अच्छी मुकाम हासिल की है और काफी नाम और शोहरत कमाया है। दोस्तों ऋतिक रोशन की फिल्में जबरदस्त एक्शन और डायलॉग से भरपूर होता है जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आते हैं। ऋतिक रोशन की रियल लाइफ से तब वाकिफ जरूर होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के साथ साथ इनसे जुड़े कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिनको शायद आप नहीं जानते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भी ऋतिक रोशन के फैन हैं तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका रियल नेम ऋतिक राकेश नगरत है और निक नेम दुग्गू और ग्रीक गॉड है। ऋतिक का जन्म 10 जनवरी सन 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 2023 के हिसाब से ऋतिक रोशन अब 49 साल का हो चुका है। दोस्तों ऋतिक रोशन नेशनलिस्टिक इंडियन है और रिलीजन से क्रिश्चियन है। और बात करें जोड़क साइन के बारे में तो इनका जोड़क साइन है कैप्रिकॉर्न। दोस्तों ऋतिक का जन्म से लेकर इनका परवरिश मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और इनके पिताजी मिस्टर राकेश रोशन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर रह चुका है। चलिए बात करते हैं इनकी फिजिकली स्टेट्स के बारे में। दोस्तों ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का एक टॉल एंड हैंडसम एक्टर की तौर पर देखा जाता है। इनका हाइट है 180 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 11 इंचेस और वेट है 85 kg यानी कि 187 lbs। दोस्तों इनका चेस्ट है 44 इंचेस, वेस्ट 28 इंचेस और बाइसेप से 16 इंचेस। इनका आई कलर हेजल ग्रीन है और हेयर कलर ब्लैक है। वही बात किया जाए इनके शिक्षा जीवन के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई मुंबई महाराष्ट्र की बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की है। फिर इसके बाद इन्होंने मुंबई की सिडनहम कॉलेज में एडमिशन ली जहां उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई की और एक डिग्री अपने नाम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ऋतिक रोशन का जन्म हुआ था तब इनके दाएं हाथ में 5 उंगली की जगह 6 उंगली थे, जिसे लेकर इनके क्लासमेट्स इनको चढ़ाते थे। दोस्तों इनके पिताजी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर थे और इन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सन 1980 की फिल्म आशा से अपनी करियर की शुरुआत कर दी थी। फिल्मों में काम करके उनको तब 100 रुपए मिला था, जिससे उन्होंने 10 हॉट व्हील्स कार खरीदा था जो कि अब वक्त के बराबर है। दोस्तों एक लीड एक्टर की तौर पर फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तौर पर अपने पिताजी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। शाहरुख और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन के फिल्म डायरेक्टर थे इनके पिताजी राकेश रोशन और इन्होंने अपने पिताजी के साथ इस फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अपने पिताजी के साथ काम सीखा और सलमान खान से बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लिया। वही बात किया जाए इनके फिल्मी करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने सन 2000 में मोस्ट पॉपुलर फिल्म कहो ना प्यार है से अपनी करियर की शुरुआत की थी, जहाँ पर इनके साथ काम की थी अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है मूवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद इनको बेस्ट डेब्यू एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इनको बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बन गया। लेकिन इनको असली पहचान तब मिला जब इन्होंने मोस्ट पॉपुलर फिल्म कोई मिल गया में काम किया, जहाँ पर उन्होंने रोहित की किरदार निभाया। दोस्तों अगर बात किया जाए इनकी कुछ फिल्मों के बारे में तो इसमें क्रिश 3 कई फिल्में पॉपुलर है और इनके नए फिल्म फाइटर बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं, जिसमें इनके साथ मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों इनके पिताजी के नाम है राकेश रोशन और माताजी की नाम है पिंकी रोशन। इनका एक एल्डर सिस्टर है जिसकी नाम है सुनैना रोशन और इनकी एक अंकल भी है जिसका नाम है राजेश रोशन और वो प्रोफेशन से एक म्यूजिक डायरेक्टर है। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन फिलहाल मैरिटल स्टेटस की ओर से डाइवोर्स है। इनके एक्स वाइफ की नाम है सुजैन खान, जिनसे इन्होंने 20 दिसंबर सन 2000 में शादी हुआ था, लेकिन अब इनका डाइवोर्स हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन का अफेयर फिलहाल म्यूजिशियन सबा आजाद के साथ चल रहा है और वे दोनों बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
चलिए बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इनके पास पहला कार है एक रेंज रोवर जिसका कीमत है 2 करोड़ रुपए, एक मर्सिडीज S500 जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, एक रोल्स रॉयस घोस्ट जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए, और इसके अलावा इनके पास है जगुआर XJ, फेरारी मॉडेना, मैसेराटी स्पाइडर जैसे कई लग्जूरियस कार जिसकी कीमत लाखों या करोड़ों में आती है। चलिए बात करते हैं इनके हाउस के बारे में। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन मुंबई जुहू में सी बीच के पास एक लग्जोरियस अपार्टमेंट में रहते हैं और इनके घर के पास अक्षय कुमार की भी घर है और आप स्क्रीन पे इनके घर के कुछ झलक को भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इनके मैन्युफैक्चरर के बारे में तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन कोई भी फिल्मों में काम करने के लिए फीस की तौर पर 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और वही अगर बताया जाए इनके टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2023 के हिसाब से ऋतिक रोशन का टोटल नेट वर्थ है करीबन 150 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी ऋतिक रोशन की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।